हैप्पी न्यू ईयर माई लवली यूट्यूब फैमिली। आज ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 31st की नाइट से, तो रात की 10 बजे यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा न्यू ईयर के लिए। और लगभग गाजर का हलवा यहाँ पर बनकर तैयार है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ, आप सबका भी मुँह मीठा कराया जाए। किस किस को गाजर का हलवा बहुत पसंद है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 90% लोग न्यू ईयर पर गाजर का हलवा बनाते हैं, क्योंकि ये सीजनल मिठाई है। सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम पर गाजर का हलवा ही बनता है, गाजर इस टाइम पर अच्छी खासी आ रही होती है। तो मैंने यहाँ पर ये हाफ हाफ बना रही हूँ, आधा मैं बनाऊंगी गुड़ वाला और आधा बनाऊंगी चीनी का, क्योंकि ये नहीं खाते हैं जैसे इनका डाइटिंग का रहता है, तो ये गुड़ वाला हलवा खाएंगे और बच्चे सब लोग खा लेंगे चीनी वाला हलवा। तो मैंने खोया वगैरह, इलायची पाउडर सब कुछ डाल दिया है और ड्राई फ्रूट्स डालकर यहाँ पर गाजर का हलवा तैयार है। ज़रूर टेस्ट कीजिएगा आप सब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये साल आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, और आज है न्यू ईयर का दिन और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और कार्तिक भी रेडी है, काव्या और ये दोनों लोग रेडी होके बाहर चले गए हैं, और मैंने सोचा चलो आपके साथ ये ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और ये ब्लॉग मैंने आज मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया था, एक्चुअली आज का जो दिन था एवरीडे जैसा ही था जैसे कि हर रोज़ होता है, तो बस मॉर्निंग से अपने जो भी सारे काम होते हैं बस वही सारा सब कुछ किया है मैंने। और हाँ, और आज ये चले गए थे एक जगह पर, मम्मी की जो बुआ थी वो एक्सपायर हुई है तो उनकी देखनी थी वहाँ पर, तो अभी ये शाम को लौट कर आए हैं। तो बस अभी शाम को ही प्रोग्राम बना लिया है हम लोगों ने घूमने का। हैप्पी न्यू ईयर बोलो काव्या। हैप्पी न्यू ईयर। कार्तिक बोलो आप हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी हम सब लोग रेडी होकर जा रहे हैं बच्चों को घुमाने के लिए, और आप सबको भी साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा कुछ इंजॉय कर आते हैं, घूम कर आते हैं और साथ में आप सबको भी लेकर चलते हैं। तो चलिए, आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और काव्या बहुत एक्साइटेड है। चलो चलो कैप ऊपर करो अपनी, चलो चले गए चलते हैं। आगे चलना पड़ेगा, चले कुछ इधर आ जाओ, आ चलो इसी पे आ जाओ। सेकंड नंबर की चेयर सीख लो पापा। एक सीट छोड़ कर बैठेगी, मेन्यू आएगा ना। ये क्या है? ये फ्लावर। और ये तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए आप सबके साथ रियल साउंड शेयर किया था। इस तरीके का आपको ब्लॉग पसंद है कि मैं विदाउट म्यूजिक आपके साथ शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सब कुछ रियल आपको चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे हमारे ऑर्डर का, और ऑर्डर हमें मिल चुका है, और आज हमने एक अच्छा सा जो है डिनर ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर बच्चों की पसंद की कुछ चीज़ें हैं और कुछ इनकी चॉइस की है, तो जैसे मोस्टली जो है बच्चों का ही चॉइस है इसमें, तो जो इनको पसंद है बस वही हम लोगों ने मंगाया। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिनर, आ जाइए आप सब भी इस एक अच्छे से गर्मा गर्म डिनर को करने के लिए। और मैं आपको ऐसे ही बोल सकती हूँ, वीडियो में बुला तो नहीं सकती हूँ क्योंकि दिखाती ही हूँ आप लोगों को वीडियो में। और आज हम लोग जो आए हैं ये हमारे घर के पास में ही है, रॉयल अक्षय पैलेस है, एंड होटल एंड रेस्टोरेंट दोनों ही हैं।
और लास्ट टाइम मैंने वीडियो शेयर किया था इनके बर्थडे पर हम लोग आए थे लास्ट ईयर, हम लोग न्यू ईयर पर हम लोग दूसरे होटल में गए थे और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खुला वाला स्पेस था और लेट नाइट पार्टी हुई थी वो। तो आज जो है जैसे कोई स्पेशल वाली पार्टी तो नहीं है, लेकिन अभी बच्चे, मैं और ये हम सब लोग ही आए हैं यहाँ पर। और जैसे कभी कभी आ जाओ तो अच्छा लगता है, मोस्टली न्यू ईयर पर मतलब सभी लोग जाते होंगे मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छी की गई है, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बच्चों को मतलब इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। और मोस्टली मैं बोलूँगी आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें घर से ज़्यादा बाहर का खाना इस तरीके से बहुत पसंद आता है। और ये काव्या को यहाँ पर दिख रहा था कि मेरा कैमरा ऑन है, तो चोरी से झाँक झाँक के देख रही थी। तो यहाँ पर वेटर भी हमारे आजू बाजू ही घूम रहे हैं कि हमें कुछ और ऑर्डर करना हो तो हम कुछ और भी ऑर्डर कर लें। तो अभी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली आज के दिन सब लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी होटल, पैलेस हैं, रिसॉर्ट हैं, सभी में एडवांस बुकिंग रहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं। तो अगर आपने अपना टेबल बुक नहीं कराया है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अगर आप थोड़ा और लेट नाइट आओगे तो लेट नाइट जैसे थोड़ा सा और स्टार्ट होता है। तो अभी हम लोग इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी निकले थे, बोले कि जल्दी रेडी हो जाओ नहीं तो फिर जगह मिलना बहुत मुश्किल है, तुम्हारा डिनर हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग बस फटाफट से रेडी हुए और आ गए हैं। तो यहाँ पर एंजॉय करेंगे एक अच्छा सा डिनर और आप सबके साथ। मैंने सोचा चलो आज न्यू ईयर के दिन एक ब्लॉग तो शेयर करना बनता है। पिछले काफ़ी दिन से वीडियो जो है शेयर हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी मतलब विंटर में एक तो आलसी हो जाते हैं, सर्दी लगती है, कहीं कुछ होता है और दिन भी बहुत छोटा सा होता है और पूरा दिन भागम भाग में बच्चों के साथ निकल ही जाता है। और अभी इनका विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसी वजह से सब कुछ चल रहा है। बट अब से जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर देते हैं कि आप बोलती हो लेकिन करती ही नहीं हो, लेकिन अब से मैं सोच रही हूँ कि न्यू ईयर में कुछ नया कुछ अच्छा तो करना चाहिए। तो कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ मेरा एक अच्छा सा कनेक्शन बना रहे और आप सबका जो प्यार है मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। और आप सबको मैं थैंक यू बोलूँगी, आप लोग बहुत ही प्यारे अच्छे कमेंट करते हो। काव्या को आप सबने बहुत सारी वेल विशेज दी, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट किए काव्या के बर्थडे पर, आप सबने बहुत अच्छी विशेज दी। तो इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। और आ जाइए आप मेरे साथ, एंजॉय कर लीजिए। और आप सबने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरा न्यू ईयर जो है बहुत ही सिंपल सा है, बस इवनिंग में हम लोग रेडी हुए और डिनर करने आ गए हैं। मतलब ये भी अच्छा है कि अभी एक हफ्ते पहले ही हमने काव्या की बर्थडे की पार्टी की थी घर पर, तो बच्चे वगैरह सब इनवाइट किए थे, घर पर ही सारा सब कुछ रेडी किया था। तो अभी सोचा कि चलो अब हम लोग ही रेडी होकर चलते हैं। और बस बच्चों से जैसे मैंने बोल दिया था कि न्यू ईयर पर चलेंगे तो मैं घुमाने, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा आपने बोला था तो चलो, क्योंकि ये बहुत लेट हो गए थे और इनका कुछ पता नहीं था, गए तो ये मॉर्निंग के थे कि किस टाइम तक वापस आएंगे। तो बस इनका ही वेट हो रहा था कि किस टाइम पर आएंगे। मॉर्निंग से तो सबके फ़ोन कॉल्स आना, सबसे बात करना, न्यू ईयर विश करना, सबसे पहले तो यही स्टार्ट होता है न्यू ईयर पर, है ना। मॉर्निंग में सबके फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं, सबको विशेज देना, तो सबके साथ जो है व्हाट्सअप पर भी सबको विश करना। और हाँ, यहाँ की कुछ रील्स भी मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ब्यूटी विद कृतिका, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी रील्स भी शेयर करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ज़रूर चेक कीजिएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और अभी यहाँ पर तो बस डिनर करेंगे और इसके बाद हाँ थोड़ा सा जैसे मम्मी के लिए भी कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि मम्मी हमारे साथ नहीं आई हैं और मम्मी ये सब जो खाना है इस सब को तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है ये सब फूड। तो अभी यहाँ से जाने के बाद जब मैं घर पहुँचूँगी उसके बाद ही मम्मी के लिए मैं डिनर बनाऊँगी। तो अभी यह है थोड़ा खा पी के यहाँ से, उसके बाद आराम से तसल्ली से जाएंगे घर पर। तो बहुत टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मम्मी घर पर अकेली है, तो हम लोगों को रहता है कि जैसे अगर पापा जी होते हैं तो नहीं रहता है, लेकिन मम्मी अब अकेली हैं तो थोड़ा सा अंदर से मन में ही रहता है कि बस आए हैं तो जल्दी जल्दी खाओ पियो निकलो फिर घर पर पहुँचें। तो अभी यहाँ पर
बस डिनर हमारा होने ही वाला है और बस हमारा जो इवनिंग है आज की काफ़ी अच्छी है। और क्या चाहिए लाइफ में, हमेशा फैमिली के साथ खुश रहो, इंजॉय करो और एक अच्छी लाइफ आपको मिले और खुशियों से भरा आपका दिन रहे, आपका घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा रहे। तो बस यही गुड विशेस होती है भगवान जी से। अगर हम रियल पे अपनी लाइफ में खुश हैं तो हमें भगवान से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि हमें अपनी फैमिली के साथ खुश होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आप सबकी भी जीवन में ढेरों खुशियाँ रहें और भगवान जी आपकी सभी जो गुड विशेज़ हैं उन सबको पूरा करें और आप हमेशा मुस्कराते रहें, खुश रहें, हैप्पी हैप्पी रहें और आपकी फैमिली हैप्पी हैप्पी रहे। और आप सब जो मेरे यूट्यूब फैमिली हो आप सब भी मेरे साथ हैप्पी रहो, ऐसे ही आप सबका मेरे साथ कनेक्शन जुड़ा रहे और आप सबका प्यार मेरे साथ आगे भी ऐसे ही बना रहे। तो अभी यहाँ पर काव्या को चाहिए नान, तो काव्या के लिए बटर नान और ऑर्डर कर दिए है और मैं यहाँ पर पुलाव इंजॉय कर रही हूँ। और सर्दियों में गर्मा गर्म खाने की बात ही कुछ और होती है, तो फटाफट से जैसे ही हमारा ऑर्डर आया सबने खाना पीना स्टार्ट कर दिया और मैंने जो मेरा कैमरा था साइड में ही रख लिया था। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं आपके साथ इस तरीके से वीडियो शेयर कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ मतलब ऐसा पार्टी वगैरह आज नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज की जो इवनिंग है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी लगने वाली है ये इवनिंग और आप सब भी बहुत खुश होंगे मेरे साथ। और काव्या को यहाँ पर चाहिए पनीर, भाई मेरे बच्चों को दोनों को पनीर बहुत अच्छा लगता है और ये लोग मतलब कितना भी खुश हो लेकिन वहाँ जाकर भी बोल रहे थे मम्मा पनीर दे दो, तो मैं चेक करवा रही थी इनसे कि देख लो भाई दूसरे बाउल में पनीर हो तो कार्तिक को भी दे दो, उधर कार्तिक को भी चाहिए। तो अभी बस खा पी कर यहाँ से निकलेंगे हम घर के लिए। सवा 8 बज रहा है और हम लोग आ चुके हैं घर वापस और अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, बस आते ही सबसे पहले मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ी सी बातें हो जाएं। और खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था और बच्चों का जैसे बहुत मन था, उन्होंने 2 दिन से बोला हुआ था कि मम्मी चलना है। और एवरीडे में इतने टाइम से होता क्या है कि पूरा दिन बच्चों का स्कूल में ही चला जाता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के चले जाते हैं, शाम को 3 बजे तक आते हैं, फिर अपना उसी रूटीन में लग जाते हैं, स्कूल का काम करना, होमवर्क करना। और अभी वेकेशन हो गई है तो थोड़ा सा बच्चे चाह रहे थे कि चलो चलते हैं न्यू ईयर पर ही कर लेते हैं सेलिब्रेशन। और आज का ये ब्लॉग है, मैं मॉर्निंग से सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला, आज काफ़ी ऐसे सारे काम थे जो मैंने किए हैं। और कल है संडे तो कल का दिन काफ़ी कुछ फ्री रहने वाला है। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट मम्मी के अभी बुआ एक्सपायर हुई थी तो उनकी आज तेजवी थी तो उसमें इनको जाना था और ये चले गए दोपहर को 1 बजे और शाम को लौट के आए हैं ये 5 बजे करीब, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। और विंटर का टाइम है, सर्दी का टाइम है, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। और मैं कपड़े वॉश कर रही थी, वॉश करते करते चली गई। और मम्मी की तबीयत कल शाम को थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो इसलिए नो मेरा पर्स रखो, आप हर चीज़ टच नहीं किया करो बेटा। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज मैंने न्यू ईयर पर घर में कुछ ऐसा खास स्पेशल नहीं बनाया है, मैंने कल रात को ही गाजर का हलवा बना लिया था तो वो अभी रखा हुआ है, मम्मी ने खाया भी नहीं है, किसी ने खाया, बस काव्या ने थोड़ा सा कल खा लिया था, किसी ने भी नहीं खाया है। मतलब मॉर्निंग से ऐसा हो ही नहीं पाया कि गाजर का हलवा खाया जाए और जैसे कुछ अच्छा बनाओ। और मम्मी नहीं खाती है ना, मैं सही बात बताऊँ मम्मी नहीं खाती है तो फिर मतलब अंदर से दिल नहीं होता है कि हम सब लोग खाएँ और मम्मी ना खाएँ तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो फिर बस आज का मेरा नॉर्मल सा मॉर्निंग सा रूटीन रहा है, तो
आफ्टरनून में मैंने कढ़ी बना ली थी, मम्मी को कढ़ी खाने का मन था बस वही बना ली थी। और कावे लगी हुई है मेरा पर्स छिड़कानी करने में, मैंने अभी न्यू पर्स परचेज किया, आज मैंने न्यू यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें यहाँ एक पॉकेट है फ्रंट में, एक बैक में है, दो अंदर है, और अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। जैसे मेरा सैमसंग का नहीं, ये मेरा LG का फ़ोन है और काफ़ी बड़ा फ़ोन है, तो अंदर भी इसमें एक सीक्रेट पॉकेट भी है। इसकी बेल्ट काफ़ी बड़ी है, तो ऐसे कैरी कर लो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कैसे भी इसको ले सकते हो आप, ऐसे छोटू सा ऐसे कर सकते हो, मतलब हाथ में ले सकते हो, कैसा भी करके यूज़ कर लो। तो इसी को लेकर गई थी मैं। काव्या कैसा लगा आपको? अच्छा अच्छा लगा, मज़ा आया। और चलिए खा पी लिया, एंजॉय कर लिया, मस्ती कर ली। और मस्ती मतलब क्या, बस आज का दिन मैं सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन जो सोचा था वो कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया। तो चलिए करेंगे कपड़े चेंज और मिलूँगी मैं आपसे आगे, देखती हूँ वीडियो मैं कंटिन्यू कितना कर पाती हूँ, तो आपके साथ आगे कुछ और भी शेयर करूँगी। और आज का जो न्यू ईयर का दिन था अच्छा है, कुछ मतलब ऐसा तो मतलब खास नहीं रहा है, मैं बोलूँगी ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। जो हमारे पापा जी थे ना, तो वो मतलब उनको बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, बहुत शोर शराबा करना, बच्चों को मतलब अपने साथ लगाए रखते थे। जब से पापा जी नहीं है, हर चीज़ हर त्यौहार सब कुछ आते हैं, लेकिन सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं रहता है। पापा जी की फ़ोटो आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पर लगा रखी है हमने ऊपर। पापा जी की फ़ोटो ना बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे लगता है कि हम लोगों को देख रहे हैं वहाँ से। मतलब आप कमरे की किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, ये वाली फ़ोटो ऐसे ही बनी है कि ऐसे लगता है कि हम लोगों को देख रहे हैं। तो चलिए भाई, बच्चों के साथ हो गया एंजॉय, हैप्पी न्यू ईयर हमारा। और हाँ, आज मैंने न्यू शूज़ भी पहने हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये मैं कल ही लेकर आई थी। काव्या ने, मैंने दोनों लोगों ने न्यू शूज़ पहने थे, है ना काव्या? अपने शूज़ दिखाओ काव्या, जल्दी से ला के भाग के। कल मैं और काव्या लेकर आई थी, कार्तिक के भी लाई थी, उसे अच्छे ही नहीं लगे, घर आने के बाद अच्छे नहीं लगे, वो वापस हो गए। तो काव्या ने, मैंने ये वाले शूज़ दिए थे कल, मेरे भी अच्छे हैं, मेरे गर्म हैं, और काव्या ने लिए हैं बूट इस तरीके के, अच्छे थे। इसमें जिप लगी हुई है ना साइड में, बस ये पहन के घूम आई है। तो आज हम लोगों ने न्यू ईयर पर दो तीन चीज़ें न्यू यूज़ की है, न्यू खरीद कर, कल ही लेकर आए थे शाम को। तो चलिए फ्रेंड, करेंगे इस वीडियो को एंड। और मैं एंड इसलिए कर रही हूँ कि अगर आगे कंटिन्यू नहीं करती हूँ तो आप लोगों का न्यू ईयर कैसे रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और ये न्यू ईयर आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, खुशियों से भरा रहे, आपके लिए सक्सेस, सब कुछ मिले जो आपकी विशेज़ हो। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा छोटा सा, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।